विराट अनुष्का इन वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन के आश्रम में बेटी वामिका संग दर्शन करने पहुंचे विराट अनुष्का हाथ जोड़े और माथा टेकते आए नजर। नमस्कार मित्रों, तनवीर सिंह सोलंकी के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां आपको दिखाई जाती है रोचक खबरें और ऐसी जानकारी जो कम लोगों को ही मिल पाती है। तो हमारा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ला सके इस तरह की देश दुनिया की खबरें। तो आइए शुरू करते हैं। अनुष्का और विराट हाल ही में वृंदावन पहुंचे थे। यहां उन्होंने नीम करोली बाबा के दर्शन किए। बीते दिन कपल बेटी वामिका संग प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के आश्रम में पहुंचे थे। हम आपको जानकारी बता दें, दुबई में नए साल का जश्न मनाने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा बुधवार को वृंदावन पहुंचे थे। कपल ने इस दौरान बाबा नीम करोली के आश्रम में दर्शन किए। इसके बाद विराट और अनुष्का प्रेमानंद गोविंद जी की शरण में आश्रम पहुंचे। इस दौरान फैमिली के साथ उनकी बेटी वामिका कोहली भी नजर आई। पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करने वाले इस कपल ने अपनी इस मथुरा वृंदावन विजिट को भी मीडिया की नजरों से दूर रखा था। हालांकि आश्रम में पहुंचे विराट अनुष्का की कई तस्वीरें और वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। आश्रम में बेटी के साथ नजर आए विराट अनुष्का। हम आपको बता दें, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 4 जनवरी 2022 को वृंदावन के एक आश्रम का दौरा किया था। यह कपल श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से मिलने पहुंचे थे। वायरल हो रही तस्वीरों में अनुष्का और विराट जमीन पर नीचे बैठने नजर आ रहे हैं और इस कपल की लाडले बेटी वामिका अपनी मां की गोद में बैठी दिख रही है। तस्वीर में विराट अनुष्का हाथ जोड़े हुए महाराज जी का ग्रेटिट्यूड करते दिख रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। नवंबर में उत्तराखंड का किया था दौरा विराट अनुष्का और उनकी बेटी वामिका ने। नवंबर 2022 में नैनीताल उत्तराखंड का दौरा भी किया था। इस दौरान कपल वहां के फेमस मंदिरों में माथा टेकता नजर आया था। इस दौरान उन्होंने कैची धाम मंदिर की यात्रा की थी। बाद में दोनों बाबा नीम करोली के आश्रम में भी दर्शन करने पहुंचे थे। अपने इस दौरे पर स्टार कपल ने फैंस के साथ काफी तस्वीरें क्लिक कराई थी। आशा है मित्रों आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।